ब्रेक के बाद एक बार फिर सभी का स्वागत है। चाईबासा के गांधी मैदान में आजसू पार्टी का सिंहभूम लोकसभा स्तरीय प्रभारी सम्मेलन हुआ, जिसमें पार्टी सुप्रीमो सुदेश महतो, सिंहभूम लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी गीता कोड़ा समेत तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में बीजेपी प्रत्याशी गीता कोड़ा के पक्ष में वोट दिलाने पर रणनीति बनाई गई। सुदेश महतो जी हमारे साथ है और जाहिर सी बात है, एक तरफ जहां सांसद गीता कोड़ा पर हमला होता है और उसके बाद सुदेश महतो जब चाईबासा पहुंचते हैं तो लोगों का, युवाओं का जो रुझान है वो अपने आप में बहुत कुछ कहता है। हमारे साथ है सुदेश महतो जी, सीधे उनसे जानने की कोशिश करता हूं। मैं यही जोश में देखना चाहता हूँ, कोलान में चुनाव हो और जोश ना रहे ऐसा चल नहीं सकता है। ये जो हताशा वाला जो घटना थी, जो घटना जहां गांव में रोका गया, ये हताशा है। जो खिलाड़ी हार मानते हैं, जो खिलाड़ी गोल नहीं कर पाते हैं, वो कहीं ना कहीं हताशा में, इस तरह से आपने स्पोर्ट्स में भी देखा होगा। तो इस लोकतंत्र में हर किसी को हर जगह जाके अपील करने का अधिकार है, कोई कहीं पर बंदिश नहीं कर सकता है। पब्लिक और उनके बीच में संवाद होने से कोई रोक नहीं। एक चीज बता रहे थे कि एक तरफ राम नाम हो रहा है, दूसरी तरफ अब विपक्ष जो है कि यहाँ पर गीता पाठ नहीं है। ये राम मंदिर की स्थापना के बाद से पूरा देश राममय हो गया है, उसी पर चर्चाएं हो रही हैं, बातें चल रही है। इतने 500 साल के इतिहास को, एक एक दिन को गिन गिन के लोग याद कर रहे हैं, आज उसकी चर्चाएं हैं। और लेकिन सिंहभूम में, मैं कह रहा हूँ, सिंहभूम में गीता पाठ हो रहा है। सिंहभूम में गीता पाठ किए बगैर विपक्ष का कोई भी हजम नहीं होगा जब तक इनका नाम नहीं लो, इसलिए यहाँ गीता पाठ चल रहा है। अभी लगातार बोल रहे हैं कि 14 सीट जो है कि एनडीए गठबंधन को लेकर, और विपक्ष लगातार कर रहा है कि इस बार तो 10 पार नहीं होने देंगे, यानी 400 पार करने वाले। वो अपना काम करे, चूंकि जिसको जीतना है, ये चुनाव राष्ट्रीय चुनाव है, राष्ट्र के नेता का चयन करना है। हमने तो नेता 10 साल से स्थापित है और उन्हें अगला बार देके राष्ट्र को आगे ले जाने की तैयारी हमारी है। लेकिन जो गठबंधन बना है, पहले यूपीए था, अब वो नाम शायद सूट नहीं किया तो नाम बदल दिए, अब नया नाम आया है, तो नया चेहरा कौन होगा ये तय नहीं है, दुल्हा कौन होगा ये तय नहीं है, और प्रधानमंत्री की वोट मांगने आ गए। संदेश क्या है यहाँ के युवाओं? ये तय है, हमारा यूथ खासकर सिंहभूम का दायित्व तो बड़ा है, यूथ का दायित्व तो बड़ा है, चूंकि सबसे ज्यादा छले भी यही गए। तो अब एक एक गांव से हमने फिलर मेंबर के रूप में एक यहां का जो राज्य को समझने वाला, राज्य के बारे में चिंता करने वाला नौजवान को खड़ा किया है, एक महिलाओं को खड़ा किया है। अब हमारा तैयारी है कि आने वाले समय न केवल ये चुनाव, केवल लोकसभा का चुनाव है, बल्कि आने वाले विधानसभा चुनाव का भी एक्सरसाइज है और उसका टेस्ट भी है। अपने सहयोगी ऋषभ के साथ में मनोज कुमार, न्यूज 11 भारत, चाईबासा। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।